डूड, यहाँ पे कितने सांप हैं? अगर तुझे इस नागिन की जान प्यारी है तो अपनी इंसानी रूप में आ। मैं जानता हूं तू एक इच्छाधारी नागिन। तू? हाँ, मैं नूर बेग, जिसे मारकर तुम लोगों ने दफना दिया था। लेकिन तुम जिंदा हो, पर यहाँ सब मेरी मौत के जांच पड़ताल में जुटे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे तो अपने हाथों से मारा था ना। मुझे मारा? हाँ, मैंने मारा था तुझे। मगर तू उस गड्ढे से बाहर निकली कैसे? नितिन, देखना नागिनस रेंग के बाहर आ गई होगी, मगर ये दोबारा मौत के मुंह में आ गई है। इस बार ये बचेगी नहीं। इस बार इसे दफनाएंगे नहीं, चीलों की तरह नोच खाएंगे। ऐसे मौके पे तो हम अपने बाप को भी ना बख्शें। नहीं, नहीं, मुझे नहीं मारना, प्लीज मेरी जान बख्श दो। गई। कौन हो तुम? तुम दोनों की मौत इच्छाधारी नागिन हूं मैं। मुझे नहीं पता इस धरती पे जन्म मुझे क्यों और किसने मिला है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं बेइंसाफी होने नहीं दूंगी, ना किसी बेकसूर के साथ ना अपने साथ। लेकिन तुम हथियारों ने एक के बाद एक बेइंसाफी की। पहले तुम लोगों ने एक बेकसूर लड़की की जान ली, फिर तुमने एक इच्छाधारी नाग को मौत के घाट उतारा, और अब इस इच्छाधारी नागिन की जान लेने जा रहे थे। इस सब की सजा मिलेगी, सजाए मौत। नफरत।
रावण मुझे। डूड, काम खत्म किया कि नहीं? मुनि या नागिना, नागिना वो पुराने पुराने पहाड़ पे। व्हाट? नागिन कहाँ पर? नहीं मामा, मार दिया भाई। भाई प्लीज जल्दी आ जाओ, नागिन मार देगी। भाई प्लीज 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 जल्दी आ जाओ भाई, भाई ये मार देगी भाई। जानती हूँ आप कौन है। शेषनाग वंश की नागिन हैं आप। मेरा शत शत नमन है आपको। स्वीकार करें इच्छाधारी नागिन। डैड, बड़े पापा, पोंकी। ऑनिल, चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रहा तू? नागिन भाई, सुबह सुबह भी रखी है? नहीं भाई, आई स्वेयर, अर्निश और नितिन पे अटैक हुआ है। उस नितिन का फोन आया था मेरे पास। हेलो नितिन, कहाँ है वो? वो साई विटनेस के पास गए थे। वही वही नागिन है? नागिन पुरानी पुरानी पहाड़ी, पुरानी पहाड़ी की गुफा में। यही लोकेशन बताई थी नितिन ने मुझे। और क्या सुना था? अच्छे से याद कर। उसके बाद में मुझे जोर से आवाज आई, फाड़ करके, चीखने की भी, लेकिन अचानक से आवाज आनी बंद हो गई। बट उसके बाद में कुछ और बातें भी हो रही थी, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। फिर बेटा, तुम उस लड़की से मिले थे ना, जो तुम लोगों का अरेस्ट करवाना चाहती थी? क्या उसे देख के तुम्हें कोई शक हुआ कि वो लड़की नागिन? डैड, ये जो आई विटनेस थी कोई और है जो। तुम चुप करो, ये सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ। फिर तुम बोलो। नहीं चाचा, अगर ऐसा होता तो मुझे वाइफ समझ जाती। मगर निकाह में सांप थे, मुझे सेंस हो गया था। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? क्योंकि कोई भी सांप दिखाई नहीं दिया, सिर्फ लगा था आसपास है। उसके बाद भाई के नाइटी कांड में सारा टाइम निकल गया। अब नहीं निकलेगा, चलो पुराने पहाड़ चलते हैं।